बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपको दम वाले कोफ्ते बनाना सिखा रही हूँ। और मेरे पास ये आधा किलो कीमा है और इसको मैंने बहुत बारीक सा पिसवा लिया है। और जो मसाले मैं इसमें शामिल करूँगी उसकी तरतीब मैं आपको एक बार बता देती हूँ। कीमे में ये तमाम मसाले शामिल करूँगी और ये खुश्क मसाले इसमें मेरे पास जो है 1 टीस्पून सुर्ख मिर्च, 2 टीस्पून बेसन, 1 टीस्पून धनिया पिसा हुआ, 1 टीस्पून लहसुन, 1 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून हल्दी है मेरे पास। इन तमाम मसालों को मैं इस कीमे में अच्छी तरह से जो है मिक्स करूँगी और साथ ही मुझे इसमें 1 अदद अंडे की भी ज़रूरत पड़ेगी। आप चाहें तो अदरक और लहसुन को पेस्ट की सूरत में भी इस्तेमाल कर सकते हैं कीमे में, लेकिन यहाँ मैं सिर्फ़ पाउडर लहसुन का इस्तेमाल कर रही हूँ। और ये मैं सब मसाले इसमें अच्छी तरह से शामिल कर रही हूँ। और अगर कीमा ड्राई सा हो तो आप 1 अदद अंडे का इस्तेमाल ज़रूर करें, लेकिन एक बात का ख्याल रहे कि हम जब भी कोफ्ते बनाएं तो हमारे पास कीमा ड्राई फॉर्म में ही होना चाहिए। इससे जो होता है आपके कोफ्ते बहुत अच्छे बनते हैं और जो होता है कोफ्तों में बाइंडिंग बहुत अच्छी आती है। अब मैं इस कीमे को 1 से 2 घंटे के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूंगी और उसके बाद मैं इसकी ग्रेवी बनाऊंगी। अब ग्रेवी बनाने के लिए मुझे जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसकी तरतीब आपको बता रही हूँ। ये मेरे पास दरमियाने साइज़ के 3 अदद प्याज हैं। आप इसे किसी भी फॉर्म में काट सकते हैं। यहाँ पे 1 टीस्पून नमक है, 1 टीस्पून मिर्च और 1/2 टीस्पून धनिया पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी इस्तेमाल कर रही हूँ। और पूरा 1 पाव दही है ये मेरे पास। अदरक लहसुन का पेस्ट, यहाँ ग्रेवी बनाने के लिए मैं अदरक लहसुन का पेस्ट इस्तेमाल करूँगी। और यहाँ पे गरम मसाले में बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च और छोटी इलायची और ज़ीरा। ज़ीरा आप 1/2 टीस्पून ले लें। और तेल गरम होने के बाद मैं सबसे पहले गरम मसाला डाल रही हूँ। आप गरम मसाला गरम होने के बाद प्याज को शामिल कर दें। और यहाँ पर व्यूअर्स मैंने प्याज को जो है एक गोल्डन सा कलर देने के बाद इसमें अदरक लहसुन भी शामिल कर दिया है। और साथ ही ये सब मसाले मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। इन मसालों में आप 1/2 टीस्पून गरम मसाला पाउडर भी चाहें तो इस्तेमाल कर सकते हैं। और अब मैं मसालों के साथ बहुत अच्छे से जो है ग्रेवी की भुनाई कर रही हूँ। और ये 1 पाव दही इसमें मैं शामिल कर चम्मच चलाऊंगी। और आप तकरीबन 5 से 6 मिनट के लिए इसको पकने दें। और ये 2 घंटे कीमा मैरिनेट होने के बाद मैंने इनके कोफ्ते तैयार कर लिए हैं। और ये मेरे पास 10 से 11 कोफ्ते एक मीडियम साइज़ में तैयार हो चुके हैं। और अब मैंने 5 से 6 मिनट के बाद ढकना उठा के देखा है, ग्रेवी बहुत अच्छी सी पक चुकी है। और जो है अब मैं इसमें 2 गिलास पानी शामिल कर मैं पानी इतना शामिल करूँगी कि उसमें कोफ्ते गल भी जाएं और आपको एक अच्छी सी कोफ्तों के साथ ग्रेवी भी मिल जाए। और ये जो है बहुत अच्छा सा ग्रेवी को मैंने 1 से 2 बार चम्मच चला लिया है। और अब मैं इसमें पानी शामिल कर रही हूँ। आप अगर ग्रेवी को थोड़ा पतला रखना चाहते हैं तो
पानी हाफ ग्लास और बढ़ा सकते हैं। और जो कोफ्ते मैंने बना के रखे हैं, अब मैं इनको वन बाय वन इस ग्रेवी में रख दूंगी। और यहाँ पर बिल्कुल लो आंच पर अब मैं इन कोफ्तों को पकने दूंगी। और आप तकरीबन 1 घंटे के लिए इन कोफ्तों को पकाएं, और आधे घंटे के बाद आप कोफ्ते में कोई भी नोकदार चीज़ से चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि आया कोफ्ते गल गए हैं। और ये तकरीबन 1 घंटे के बाद अब मैंने कोफ्तों को दोबारा चेक किया है। आधा घंटा पहले भी मैंने चेक किया था तो कोफ्ते काफ़ी गल चुके थे, और मैंने मज़ीद आधा घंटे तक कोफ्तों को और पकने दिया। और उसके बाद मैं हरी मिर्च और हरे धनिए से कोफ्तों को गार्निश कर रही हूँ, और ये बहुत ही मज़ेदार और लजीज कोफ्ते तैयार हो चुके हैं। और ये मैं आपको भी छुरी से चेक करके बता रही हूँ कि कोफ्ते जो हैं बहुत अच्छी तरह से टेंडर हो चुके हैं। यहाँ पर मैं दम देने के लिए कोफ्तों को फॉइल का एक पीस ले रही हूँ और इसको कोन की शेप दे रही हूँ। और कोयला इसमें मैं गरम करकर पतीली के अंदर मैं 1 से 2 मिनट के लिए रख दूंगी, और एक अच्छा सा इसमें दम आ जाएगा कोफ्ता। और मैंने कोयले को गरम कर अब इस फाइल पे रख रही हूँ, और चंद कतरे घी के या कुकिंग ऑयल के आप इसमें गिरा दें, और इस तरह से एक धुआं बनना शुरू हो जाएगा, और ढकना ढक दें। और ये व्यूवर्स, मैंने कोफ्तों को डिश आउट कर लिया है, और इंतहाई मज़ेदार खुशबू इन कोफ्तों में से आ रही है। और मैं यहाँ पे प्याज के रिंग के साथ इसको सजा रही हूँ, और इतने आसानी से ये कोफ्ते बन जाते हैं। और आप भी इसी मेथड से इन कोफ्तों को बनाएं और ऊपर से धनिए के साथ गार्निश कर दें। और व्यूवर्स, ये मज़ेदार दमदार कोफ्ते तैयार हैं, और इसको जो है बाज़ार की रोटी और नान के साथ खाएं। बहुत ही लजीज कोफ्ते तैयार हो चुके हैं, और उम्मीद है कि आपको मेरा ये मेथड पसंद आया होगा। आप इन कोफ्तों को दावत में भी बनाकर मेहमानों के सामने पेश करें। नए देखने वाले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें मेरी वीडियोस, और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दिया करें। अगली वीडियो के साथ फिर आऊँगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।